दुबिडी और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि काफी टाइम के बाद हम एक ऐसी वीडियो करें जो के है शाहरुख खान सर की और उनका एवोल्यूशन 1992 to 2019। और इससे पहले हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया था सलमान खान का, और आज हम शाहरुख खान का देखने जा रहे हैं। उस टाइम पर भी हमें बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ने बोला था कि आप शाहरुख खान का भी करें, तो फाइनली आज हम देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। दिल है मेरा दीवाना यारो मैं तो चला दिल प्यारी लग रही है ना देवी भारती। चली गई जो मन चली पुकारूंगा गली गली बाजीगर मैं बाजीगर ये तीखी तीखी नजरें ये हिरनी जैसी चाल कर तू है मेरी किरण तू है मेरी किरण सामने मैं तेरे सामने तुझको देखो के प्यार करूं। ओके ये आई थिंक वो इस मूवी का गाना आना मेरे प्यार को समझो होश में आप आने ना पाए मैं रोऊं या हंसूं करूं मैं क्या करूं। ये मूवी तो अंदर देखी है ना, तो आपने बोला था देखी है। इस मूवी का वो गाना था ना एक मुंडा मेरी उम्र था, वो बहुत ही था। सारे गाने बहुत अच्छे थे। हाँ वो क्यों भला अदीवान गुलशन कली कली मेरे अफसाने गली गली ये मिशा है ना कैसे सेट हो गए ना पहले मेहंदी लगा के रखना होली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना ये होली शादी में बड़ा चला तुझको तो प्यार सजना लाग कर ले तू इनकार सजना तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम राम जाने राम जाने राम जाने चोरी चोरी चल ओ गोरी पीपल की छांव में मेरे ख्याल है इस मूवी का नाम दुनिया री दुनिया वेरी गुड दुनिया वाले वेरी बैड वेरी बैड दुनिया री दुनिया वेरी गुड दुनिया मुझे प्यार करो एक बार करो सौ बार करो ये
कितनी मूवीज हैं जो हीरो की तरफ ये गाना वैसे मैंने सुना है दर्द जब हद से गुजरता है तो गाने दे हैं दर्द जब हद पागल मुन्ना तू है मेरे सोई ये बहुत अच्छी मूवी देखी है इसकी स्टोरी की पसंद नहीं है बट देखी बहुत है अनहाई तन्हाई तन्हाई गाने बहुत अच्छे प्यारी लग रही है ना माधुरी इस मूवी गाने बहुत अच्छे कोई ऐसा गीत गाओ के आरज़ू जगाओ अगर कहो जोड़ी बनी है कहीं दूर छम 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 रंग ना बच ये मूवी गाने बहुत अच्छे थे और कितनी अच्छी लग रही है मैं मत बोल रही हूँ जमाना दिलों को नहीं जानता है जमाने को ये दिल नहीं मानता है हो दिल तो पागल है दिल दीवाना है दिल तो पागल है दिल दीवाना है भोली सी सूरत आँखों में मस्ती बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले वो ढोलना ये गाना भी बहुत हिट था बहुत डिफरेंट सॉन्ग था ये हाँ आगे ना कभी जो होता है मोहब्बत ही नहीं है मोहब्बत हो गई है मोहब्बत ही नहीं है मोहब्बत हो गई है अब डरना वो लड़की जो सबसे अलग है वो लड़की जो सबसे अलग है कुछ तो पता अरे कुछ तो पता नया नया सा लगे अरे भाई मैं कहाँ जाता हूँ मुझे भी नहीं पता अरे छोड़ो यार मैं जा रहा हूँ कलकत्ता अपनी बीवी से अच्छा हम भी हैं जोश में बात अच्छा इस मूवी के गाने लता जी की वजह से बहुत हिट गए थे दिल में कहीं तुम छुपा लो मैं खुली हो या लहू बनो दीदार का होता है कैसे कहूँ मैं मेरे लिए है ना मेरे लिए सुना नहीं चाहे देखी भाई लगा हमसे भरे 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 भरे
आइकॉनिक मूवी यार। वैसे ये वाला हॉलीवुड सीन बहुत मतलब दिल को छूता ना। इस मूवी के गाने बड़े हिट हुए थे। मूवी भी बहुत हिट। हाँ देखा तेनू पहली पहली हम तुम्हारे तुम्हारे सनम हम तुम्हारे तुम्हारे सनम। सलमान खान ने देखा दूसरों की शादी में सलमान खान ने ये फूल तुम्हारे जेवर है मुझे बनाए। ये बंदे के बहुत अच्छे हैं। प्रेम नगरिया की तुम भी डगरिया चलो हम तो चले संग तुम भी गुजरो। लाइवी न गई तने भाई भी न गई लाइवी न गई जो है सब ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग इस सब मुझे अभी तक मिलता है यार। तेरे माथे झूमर धमके तेरे कानों वाली चमके है रे माही ये दिल है या शीशा जो टूटा। कहे ये तुमको इंतजार में होना देख लो इधर तो एक बार मैं होना। ये मूवी ओ सुष्मिता से ये बहुत अच्छी लगती है। शी इज मुझे इनकी हाइट बहुत अच्छी लगती है। गोरी 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 कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी गोरी 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 भोले भोले मैंने गोरी गोरी ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा। बहुत रोमांटिक है रंग 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 गगन को रंग नारे As the coach of the Indian national women's team, मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है इंडिया। साथ साथ ऐसा बहुत अच्छी लगी है आया है चांद यारा मैं क्या करूं कुछ भी रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। हौले हौले हो जाएगा प्यार चलिया हौले हौले हो जाएगा प्यार
भोले भोले हो जाएगा प्यार चलिया भोले भोले ओए डांस पे डांस कर ले ओ सोने आ डांस पे डांस कर ले intelligent to my name is Sonia कोई नहीं बता पाया कि मेरे ऐसे होने की वजह क्या है लेकिन पूरा कर लिया अपने लिए एक खुशहाल जिंदगी बना ली मैंने मैं कहीं कब हूँ ठहरा मैं तू जो पास आई तू जो पास आई सपनों की टकसाल है ये दुनिया बेमिसाल है चलो ये मूवी बहुत कैसे मैंने देखी थी लाइव दिल तो हर किसी के पास होता है। बहुत खूबसूरत है अब
अगर बात करना गानों की और मूवीज की, तो इनमें से बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं जो हमने बार बार बहुत बार देखी हुई हैं, हमारी केबल पे लगती रही हैं, उसके बाद बिफोर यू मूवीज पे लगती रही हैं, ये मूवीज तो हमने बहुत सारी बार देखी हुई हैं। अच्छा, 1992 से लेकर 2019 तक मुझे तो ऐसा लगता है कि शाहरुख खान में काफी ज्यादा चेंज आया। लाइक जब आप यंग होते होते आपका फेस थोड़ा सा और तरह से होता है, और अभी शाहरुख खान इस एज में थोड़े से मतलब वो काफी ज्यादा पतले हो गए हैं। और मुझे ये वैसे ऑनेस्टली ये भी नहीं पता था कि 1992 में उनकी फर्स्ट मूवी आई थी। हमारे हमें वैसे ये मालूम था कि बाजीगर उनकी और काजोल की, वैसे में भी उन दोनों की पहली मूवी हो, लेकिन हमें लगता था कि इनकी जो है पहली मूवी बाजीगर है। और उस मूवी के गानों की बात करें वो भी बहुत हिट हुई। अगर मैं शाहरुख खान सर के एवोल्यूशन की बात करूँ ना, तो मुझे लगता है कि वो सही जो है ना 2008 के बाद आके चेंज होना शुरू हुआ उनका फेस। और अगर उनकी एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग जो है मुझे लगता है शुरू से अभी तक सेम ही है, बस वो किरण वाला जरा स्टाइल चेंज हो गया, बाकी सब भी सेम है। था बहुत, एक अंजाम मूवी का बहुत अग्रेसिव था उनका। वैसे बाजीगर में भी काफी ज्यादा उनका नेगेटिव रोल था और काफी अग्रेशन था उनमें, लेकिन वो थोड़ा सा करेक्टर कुछ और तरह का था। लेकिन भी जो है दोनों टाइप की, उन्होंने एक साइड पे जॉली किस्म का किया हुआ, एक साइड पे थोड़ा सा अग्रेसिव वाला किया हुआ, लेकिन वो वाकई फनी नहीं है। और यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करूंगी कि लास्ट टाइम पर जब हम लोगों ने सलमान खान का एवोल्यूशन देखा था और इस टाइम पर हम जब शाहरुख खान सर का देखा है, तो दोनों में चेंज ये कि सलमान खान ने बहुत सारी हीरोइंस के साथ काम किया, शाहरुख खान ने भी किया, लेकिन उतनी ज्यादा हीरोइंस नहीं मुझे नजर आई सॉन्ग में। इन्होंने भी हर तकरीबन हर एक्टर, अच्छा मेरी बात अभी थोड़ी थोड़ी जो मुझे याद आती है, उस वाले में हम लोगों ने देखा था कि दीपिका के साथ सलमान खान ने नहीं किया जब हम लोगों ने बात की थी, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे आसिन है, आई थिंक आसिन के साथ तेरे नाम वाली थी, तेरे नाम वाली के साथ भी नहीं, बिल्कुल नहीं है मूवी। फिर और कौन सी, आई थिंक जरीन खान के साथ भी नहीं किया हुआ, दबी दबी आंख में, ठीक है ना। और भी अगर मैं ढूंढने पर आऊँ तो काफी सारी निकल सकती हैं एक्ट्रेसेस। तो ओवरऑल देखूं तो मतलब सीरियसली अच्छा भी लगता है देखकर, क्योंकि सारी जो मेमोरीज हैं रिकॉल होती हैं, जो आपने बचपन में सॉन्ग सुने होते हैं और आप बहुत ज्यादा इंजॉय करते हो। और मैं बोलूंगी कि इस दौरान में कुछ मूवीज वाकई में ऐसी हैं शाहरुख खान सर की जो कि मैं बोलूंगी कि कमाल की हैं, जिनके टॉपिक्स बहुत अच्छे रहे हैं। जैसे कि उनमें मैंने वैसे मतलब मूवी नहीं देखी, जैसे कि मैंने सॉन्ग्स देखते हुए बोला था सुबह देश का मूवी, लेकिन मैंने सुना कि उसका टॉपिक बहुत अच्छा। फिर हाँ डेयर जिंदगी मुझे बहुत अच्छी लगती है, फिर उसके बाद चक दे इंडिया बहुत एक डिफरेंट कैरेक्टर उसमें किया, हैप्पी न्यू ईयर भी अच्छी है। वैसे अगर मैं अगर बात करूँ ना, तो मुझे जो उनकी मूवीज स्टार्टिंग में जो पसंद थी, एक मुझे बाजीगर अच्छी लगती थी, फिर उसके बाद करण अर्जुन मुझे उनकी मूवी अच्छी लगती है, फिर उसके बाद कुछ कुछ होता है मूवी भी अच्छी है, और दिल तो पागल है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डुप्लीकेट भी मुझे उनकी अच्छी लगती है मूवी। अच्छा मुझे इससे लगता है कि जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, फिर उसके अलावा कभी अलविदा ना कहना और कल हो ना हो, ये ऐसी मूवीज हैं जो कि ना हमेशा आप जब भी आप देखो ना, आपको ऐसे लगता है कि जैसे ना मतलब फ्रेश मूवीज देख रहे हो आप, वो वाली फीलिंग आती है आपने इतने अरसे पहले देखी थी। मुझे अच्छे से याद है कभी अलविदा ना कहना जो मूवी है ना, वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल उस टाइम पर हो गई थी उसकी स्टोरी की वजह से, बट हर इंसान की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, तो इसमें हम लोग नहीं जाते। बट मेरा अगर मैं पहले वैसे मौलम से पूछूं, मौलम ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग कौन सा शाहरुख खान का? ऑल टाइम अगर फेवरेट सॉन्ग की बात करें ना, तो मेरा ख्याल है काफी ज्यादा है यार, एक तो मैं कह नहीं सकता, अगर एक ही बात करें ना, कल होना हो बहुत अच्छा उनका गाना है। लेकिन अगर उसके अलावा उनके एवरग्रीन गानों की बात करें ना, बाजीगर के गाने बहुत अच्छे थे। नहीं वो तो वैसे होते हैं, लेकिन एक होता है ना आप जब भी सुनते हो तो आपको अच्छा फील होता है, कल हो ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, कि वो बोलते ना आपकी आपको बोलते ना आप कनेक्टेड फील करते हो उनके लिरिक्स से। और कल हो ना हो में भी मुझे शाहरुख खान का करेक्टर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बहुत पॉजिटिव करेक्टर। कल हो ना हो मूवी की भी अगर बात करें ना, यानी कि सॉन्ग की अगर बात, उसमें जो हार्टबीट वाला म्यूजिक था ना वो बहुत हिट हुआ था। उसके बाद भी याद है कितने ज्यादा लोगों ने उस हार्टबीट वाले म्यूजिक पे जो है
मैं अपने वॉइस ओवर्स किए थे, बहुत सारे लिरिक्स इस तरह के जो है बाद में भी आते रहे। तो ओवरऑल अगर बात करें ना सलमान खान सर के एवोल्यूशन के, उनके एवोल्यूशन की, तो सलमान खान सर के में ज्यादा ये फर्क लगा है कि वो स्टार्टिंग में पतले थे और एंड तक आते आते वो काफी सेहतमंद हो गए हैं। और स्टार्टिंग में वो भी हेल्दी थे और एंड तक आते आते वो तकरीबन सेम ही है, वो इतने ज्यादा यानी कि उनकी फिजिक में फर्क नहीं आया। लेकिन एक बात बोलूंगी कि जो रोमांटिक सीन और डायलॉग शाहरुख खान सर बोल सकते हैं, वो कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे जहन में अभी कल हो ना हो कि वो वाला सीन आ गया जिसमें डायरी में कुछ नहीं लिखा होता और वो डायलॉग्स होते हैं सैफ अली खान के, और सैफ अली खान इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा जो सैफ अली खान की तरफ से बोलते हैं प्रीति जिंदा को। और फिर उसके अलावा वीर ज़ारा की बात करें, बहुत अच्छी मूवी थी वो भी, उसके सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे, डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। अच्छा मुझे जो है ना याद अच्छी तरह के जब वो मूवी आई थी ना दिल वाले, तो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी क्योंकि शाहरुख खान सर और काजल जो है दिल वाले, हाँ अच्छा दिल वाले उसमें काफी देर बाद दोनों इकट्ठे आ रहे थे, हाँ, उस टाइम तो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी, मेरा ख्याल है हमने इस पे रिएक्शन भी दिया। लेकिन मैं एक बात बोलूं, उस टाइम पर ना उसके साथ एक और मूवी लगी थी, आई थिंक शायद मतलब दीपिका की और रणवीर की लगी थी मेरे ख्याल में, बाजीराव मस्तानी आई थिंक, हाँ। और लेकिन ये कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ये ज्यादा दोनों मूवीज देखी थी और बाजीराव मस्तानी जो है ना वो एंड तक देखता हुआ ना बंदा रो पड़ता है एक बार, लेकिन उसका गाना जब वो लगता है ना दीवानी मस्तानी हो गई, एक बार सिनेमा में शोर मच गया था यार। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी दीपिका बाजीराव मस्तानी में इतनी खूबसूरत आई है ना, मुझे लगता है कि जिस तरीके से ऐश हम दिल दे चुके सनम में बहुत खूबसूरत लग रही थी ना, दीपिका इसी तरीके से बाजीराव मस्तानी में बहुत खूबसूरत। वैसे दीपिका की अगर मैं बात करूँ ना, तो उनका जहां तक मैं कहता हूँ उनका लक शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है कि उनकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है, ओम शांति ओम से, उसमें बहुत प्यारी लग रही है। फिर उसके अलावा जब हम लोगों ने रामलीला बहुत अच्छी मूवी है और उसमें भी वो इंतहाई खूबसूरत लग रही है। बहुत कम एक्ट्रेसेस होती हैं जो स्टार्टिंग अपना करियर करती हैं तो ए कैटेगरी में ही आ जाती हैं, वरना मोस्टली जो है उन्हें नीचे से कोशिश करके बहुत ज्यादा ऊपर आना पड़ता है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस हाँ। ऐसी भी जो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन हाँ वो जैसे मैं परिणीति चोपड़ा की बात करूं, मैं बहुत अच्छी लगती है लेकिन उनका करियर जो है वो उस तरह बूस्ट नहीं कर पाया जैसे दूसरे एक्ट्रेसेस। और वैसे बाकी में परिणीति की मूवीज में देखो तो काफी मतलब बबली सी उनकी एक्टिंग होती है, लेकिन वी विश फॉर बेस्ट ऑफ लक, हम चाहते हैं कि उनका करियर अच्छा रहे क्योंकि मॉडल को बहुत वैसे मुझे भी पसंद है, ऑनेस्टली अच्छी है। मैं इशुजादे से उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगा थी मुझे, तो वो इशुजादे में फर्स्ट टाइम आई थी वही ना, वही से एक्टिंग उनकी लगना बहुत अच्छी, फिर उसके बाद वो ड्रामा क्वीन में भी आई थी ना, इश्वरी बड़ी ड्रामा क्वीन है, वो वाली मूवी अच्छी थी, उसके सॉन्ग्स भी अच्छे थे। एनीवे हमें नहीं पता कि आपको हमारी पसंद की मूवीज अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही, लेकिन आपका ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग कौन सा है और आपको क्या लगता है कि कौन सी मूवीज में शाहरुख खान सर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, आपको सबसे फेवरेट करेक्टर कौन सा उनकी मूवी का लगता है, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ अब हमें इजाजत, हमारे वीडियोस करें लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स, टिल देन गुड बाय।